नमस्कार, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी तौसिफ का आज पुतला रामबाग चौराहे पर बजरंग दल द्वारा फूंका गया। पुतला फूंकने को लेकर पुलिस से बजरंग दल वालों की नोकझोंक भी हुई। पुलिस द्वारा पुतला फूंकने से रोका भी गया, जिसके बीच कार्यकर्ताओं ने पुतले को फूंक कर अपना गुस्सा प्रकट किया। कहा कि राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले तौसिफ खान को फांसी की सजा दी जाए, जिससे ऐसे लव जिहाद के मामले में अंकुश लग सके। पुलिस की ढुलमुल रवैये के कारण ही पहले भी 2018 में केस होने के बावजूद भी तौसिफ बच गया था, लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए तौसिफ को फांसी की सजा देनी चाहिए। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो की रिपोर्ट। जिला संयोजक हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जिहादी मानसिकता रखने वाला तौसिफ खान, जिसने सरेआम एक हिंदू बेटी को सरेआम गोली मार दी, उसमें हमने अनुरोध किया है और हरियाणा सरकार से कुछ उनको 3 महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए। उस चक्कर में उसका पुतला दहन किया गया है और पुलिस ने अपनी गुंडई से उस पुतले को नहीं जलाने दिया गया है। हम प्रशासन योगी जी से अनुरोध करते हैं ऐसे जिहादियों को तत्काल में कार्रवाई कर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। गोली मारी है, उसमें बताया जा रहा है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, सब लोग विधायक हैं, सांसद हैं, मतलब राजनीति पार्टी से ताल्लुक है। उसके दादा जो मेवात पड़ता है हरियाणा में, वहाँ के वो पहले गृहमंत्री रह चुके हैं, उसके चाचा इस समय विधायक हैं कांग्रेस के, मौजूदा बहुत मजबूत सत्ता पक्ष का लोग हैं और वो लोग पहले भी 2018 में एक अपहरण का मुकदमा लिखा गया था उन पर पुलिस के दबाव में और शासन प्रशासन के दबाव में, राजनेताओं के दबाव में मुकदमा लिखा गया था और रफा दफा कर दी गए। क्या लगता है फिर से राजनीतिक दबाव की वजह से फिर से दफा राजनीतिक दबाव नहीं राजनीतिक दबाव इसमें भी राजनीतिक दबाव रहेगा। और राहुल प्रियंका जितने भी राजनेता हैं अब कहाँ चले गए, जो हाथस में कांड हुए थे उसमें राजनीतिक कितना बड़ा माहौल खराब कर दिया था। अब मनने वाला हिंदू है, मानने वाला मुसलमान है, इस चक्कर में अब कोई भी राजनेता इस मामले को ऊपर नहीं बढ़ा रहा है। बजरंग दल इसका फुल विरोध करता है और जमीनी स्तर पर रोड पर संघर्ष करेंगे जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा।